मेरे पिता पर आज तक यौन शोषण या रेप का कोई आरोप नहीं है। 87 साल के और बिस्तर पे आरोप लगा। 87 साल के और बिस्तर पे। लेकिन टेलीविजन पर सेखी बघार रहे इस पत्रकार दीपक चौरसिया की गिग्घी बंध गई। आज कोर्ट ने इस पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया। दरअसल गुरुग्राम जिला न्यायालय ने पत्रकार दीपक चौरसिया और ललित सिंह को 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया और उन्हें नियमित कोर्ट में पेश होने की हिदायत भी दे दी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने फटकार लगाते हुए इस केस के आईओ और तमाम लोगों को जल्द से जल्द पूरी कार्यवाही करने की बात भी कही। दीपक चौरसिया और ललित का आरोपी जो हैं उनका बेल कैंसिल हो गया था और उनकी सिक्योरिटी फोरफिट कर गई थी, तो उन्होंने आज जमानत के लिए और उनके वारंट को कैंसिल करने के लिए एप्लीकेशन लगाया था। तो आज कोर्ट ने उनका जो पहले ही ऑर्डर कर रखा था और आज उन सब का जो पिछला बॉन्ड था जो उन्होंने सिक्योरिटी जमा की थी उसे फोरफिट कर लिया गया, मीन्स उसको जब्त कर लिया गया और नए एप्लीकेशन पे वार्निंग देते हुए उनको जमानत दी गई। 1,000 रुपये दोनों पे फाइन लगाया गया और उन्हें कहा गया कि आप हर तारीख पे आप आएंगे और रेगुलर आप आएंगे। दरअसल गुरुग्राम अदालत से गैर जमानती वारंट इशू होने के बाद दीपक चौरसिया और ललित सिंह हाई कोर्ट से लेकर सिविल कोर्ट तक सब जगह इन्होंने दौड़ा और जमानत लेने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने इसलिए फिर गुरुग्राम अदालत ही भेजा जहां ये पेश हुए और पेश होने के बाद कोर्ट ने इन्हें फटकार लगाने के बाद इन पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया। ये पूरा वाक्या 2013 से जुड़ा हुआ है, जब 2013 में आशाराम बापू का केस हुआ था और इन पर आरोप है कि गुरुग्राम के पालम बिहार में रहने वाले एक परिवार के खिलाफ इन्होंने ऐसी अभद्र टिप्पणियां की, उसके घरों को दिखाया, उसकी नाबालिग बेटी को दिखाया और उस पूरे परिवार को सेक्स रैकेट में शामिल बताया। यहां तक कि इन्हें पॉक्सो एक्ट का भी ख्याल नहीं रहा और टीआरपी के रेस में ये इतने अव्वल साबित करने की इन्होंने कोशिश की कि एक एक कर सारी मर्यादाएं तार तार कर दी। हालांकि जनजागरण मंच ने इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट का रुख किया और तमाम लड़ाइयों के बाद मामला तो दर्ज हुआ, लेकिन आज करीब 9 साल से ज़्यादा इस मामले को हो रहे हैं लेकिन पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। अदालत में सुनवाई पे सुनवाई हो रही है, तारीख पर तारीख लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसा इन तारीख पर तारीख के खेल में इस पीड़िता का न्याय कहीं दब कर न रह जाए, कहीं उस न्याय का गला न घोट दिया जाए। क्योंकि ये वो पत्रकार हैं जो देश के प्रधानमंत्री और प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों पर भी टिप्पणी करने में कतराते नहीं हैं। अपने आप को इनका कद इतना बड़ा होता है कि ये किसी को भी कुछ नहीं समझते और मुझे लगता है कि शायद यही वजह है कि आज कोर्ट भी इन्हें तारीख पर तारीख ही दे रही है। हालांकि हम सबको न्यायालय पे पूरा भरोसा है और पीड़ित परिवार को भी भरोसा है और जिस तरह से कोर्ट ने फटकार लगाई है इन पत्रकारों को, उससे साफ लगता है कि कहीं ना कहीं न्याय अभी जिंदा है और न्याय जरूर मिलेगा। इस पूरे कोर्ट प्रकरण के दौरान भी ये पत्रकार जब कोर्ट में पेश होते हैं तो ये तमाम बदतमीजियां करते हैं और जिसका जीता जागता उदाहरण इस कैमरे पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जब कोई इनका फोटो लेता है, कोई वीडियो लेता है, तो उस पर हाथ उठाने से भी गुरेज नहीं करते। हालांकि न्याय है और पीड़ित परिवार और जनजागरण मंच जो इस पूरे मामले को उजागर कर रहा है या न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, उसको उम्मीद है कि कोर्ट से न्याय जरूर मिलेगा। पिछले तारीख पे सभी आरोपियों को सीडी देने के बावत लगी थी और कहा गया था कि एट अर्लीस्ट दे दिया जाए। आज तक पुलिस ने वो सीडी नहीं दी थी तो कोर्ट ने कहा कि आज ही उसे दिया जाए और 2 बजे तक वो सारी सीडी आज दी गई। पहला तो ये हुआ। दूसरा, जो चार्जशीट है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट या चार्जशीट नंबर 3, जिसमें कुछ आरोपियों को जो है पुलिस की तरफ से सारे आरोपों से मुक्त कर दिया गया है,
उसका इंडेक्सिंग करने के लिए पुलिस को कहा गया, जो आज तक आई नहीं किया था। तीसरा, पिछली तारीख को इस केस के जो 3 आईओ थे उनको बुलाया गया था और नहीं आए थे, तो उनका बेलेबल वारंट था, वो 3 आईओ आज आए थे, तो उनसे कहा गया कि उस चार्जशीट में कोई डॉक्यूमेंट आपने जो इन सबको छोड़ा है, कोई बयान डॉक्यूमेंट और क्या क्या है, उसका आप क्लियर जवाब दीजिए। ऐसे में हमें भी उम्मीद है कि कोर्ट जरूर इन पर सख्त कार्रवाई करेगा और एक नज़ीर पेश होगा पूरे देश में, खासकर उन तमाम पत्रकारों के लिए जो टीआरपी की रेस में सब कुछ भूल जाते हैं और किसी की भी इज्जत को फजीहत करने में देर नहीं लगाते। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।